उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद शहर में आज यहां महावीर जयंती की शोभा यात्रा में शामिल होने आए सलमान खुर्शीद ने हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास के बयान की चर्चा करते हुए कहा कि हम महंत जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी को हनुमान जी के चरणों में जगह दी। यह बहुत बड़ी बात है, अवश्य उनका मन उदार होगा। राहुल गांधी का आवास खाली कराने के मामले में इतनी तेजी दिखाना सरासर गलत है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस दौरान सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा कि 2024 के लिए अगर सभी विपक्ष दल एक साथ ना आए तो गाज केवल कांग्रेस पर नहीं गिरेगा। कांग्रेस नुकसान उठा चुकी है, बाकी सबको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम आपस में मिलकर ये सुनिश्चित कर लें कि आगे की लड़ाई कैसी लड़नी है। ऐसा हुआ तो हमें कामयाबी अवश्य मिलेगी। फरुखाबाद का दौरा किस वजह से रहा, क्या था, क्या जैन समाज के किस उसमें आप शामिल हुए? फरुखाबाद का दौरे की कोई वजह नहीं होती। घर आने के लिए ये प्रश्न नहीं पूछा जाता कि आप घर क्यों आए, लेकिन हाँ पर्व होते हैं, अवसर होते हैं जिस पर परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है। महावीर जयंती पर आज यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं, शोभा यात्रा निकल रही है, उसमें भाग लेने का अवसर मुझे मिला। भाई प्रमोद जैन जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मैं ये अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे साथ निकलने का एक अवसर मिला। और ये रमज़ान का मौका है, रमज़ान के मौके पर नवरात्र भी है, यहाँ जैन समारोह भी है, इन सबको इकट्ठा करने में एक विशेष आनंद आता है। और जो भारतीयता का एक सही उदाहरण है, एक सही रूप है, वो आज यहाँ देखने को मिल रहा है और उसमें मन मग्न हो जाए और उसमें हम अपने आप को खो बैठे, इससे बेहतर और कोई भावना नहीं हो सकता। राहुल गांधी